हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्य पत्रिका। ये है कक्षा 4 के बच्चों के लिए, 14 तारीख की 131 नंबर की। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखेंगे। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है। तो आज कौन सा दिन है ऊर्जा संरक्षण दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। हम इसे हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो हम क्यों इसे हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं? ताकि हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि ऊर्जा का इस्तेमाल सही तरीके से करें, उसे बर्बाद ना करें। हमें उसे सही मात्रा में इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो भी उसका लाभ उठा सके। आगे देखिए, ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति। ऊर्जा का क्या अर्थ है? काम करने की शक्ति। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को क्या मिलती है? शक्ति, और हम सब काम करने के योग्य होते हैं। तो भोजन करने से शक्ति मिलती है और हम दिन भर काम कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो बिना ऊर्जा के काम नहीं कर सकते। और वो ऊर्जा क्या है? बिजली। उस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली। जैसे कि आपके घर का एसी हो, फ्रिज हो, पंखा हो, लाइट हो, क्या वो बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के जल सकते हैं? काम करेंगे? नहीं, वो नहीं काम करेंगे। तो उनकी ऊर्जा है बिजली, और इसी बिजली को अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखिए और उन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। तो जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, उन चित्रों पर हमें गोला लगाना है। पहला चित्र फोन का है, तो फोन को चार्ज नहीं करेंगे, फोन नहीं चलेगा, और फोन चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत है। तो यहाँ बिजली का इस्तेमाल हो रहा है, इसे गोला लगा दीजिए। अगला अगला है, ये बच्चा टेबल लैंप से पढ़ रहा है। तो टेबल लैंप बिना बिजली के तो चलेगा नहीं, उसे आप चार्ज भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें भी हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगला, क्या आपको बैडमिंटन खेलने के लिए बिजली की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अगला, लैपटॉप से पढ़ने के लिए लैपटॉप को चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। अगला, टीवी, टीवी भी बिना बिजली के नहीं चलेगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कोई भी बिजली की आवश्यकता नहीं है। फैन, हाँ, फैन चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होगी। अगला है ट्रेन, ट्रेन को चलाने के लिए भी बिजली की आवश्यकता होगी। अगला, बिजली बचाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? कोई तीन उपाय लिखिए। तो आप बिजली कैसे बचा सकते हैं? आपको तीन उपाय लिखने हैं। तो ये रहे तीन आपके उपाय। पहला, जरूरत न होने पर बिजली के उपकरणों को स्विच ऑफ कर दें। तो जब आप बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल ना कर रहे हो, उन्हें स्विच ऑफ कर दें। और अगला, सामान्य बल्ब की जगह CFL का इस्तेमाल करें। तो जो आपके घर में आपके सामान्य बल्ब हैं, उनकी जगह CFL का इस्तेमाल करें, उससे बिजली की बचत होगी। अगला, सोलर उपकरणों का इस्तेमाल करें। जितना हो सके आप सोलर उपकरणों का इस्तेमाल करें,
जैसे सोलर कुकर है ना, तो इससे भी बिजली की क्या होगी, बचत होगी। अगला अगला है ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए, जैसे चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। तो ये रहे दो नारे, आपको जो पसंद हो आप वो वाला लिख लीजिए, बिजली बचाओ आने वाला भविष्य बचाओ। अगला ऊर्जा बचाओ देश को आगे बढ़ाओ। और अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपकी आगे वाली आने वाली वर्कशीट्स मिस नहीं होनी चाहिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों से बात कीजिए कि ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ ऊर्जा के दुरुपयोग से बचते हुए कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना है, ताकि भविष्य में उपयोग हेतु ऊर्जा के स्रोतों को बचाया जा सके। और COVID-19 से बचने के लिए हाथों को नियमित रूप से धोते रहिए। बाय बच्चों।